नव नियुक्त न्यायाधीशों को जिला न्यायालय में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। अब इसे महज एक इत्तेफाक कहे या कुछ और कि अचानक कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री पहुंच गए। हालांकि इस कार्यक्रम को बताया गया कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अलग रखा गया, लेकिन समस्या परे है कि क्यों न्यायालय के कार्य में एक मंत्री पहुंचा। वहीं इस बात को लेकर भाजपा के अधिकारियों में भी असमंजस का माहौल बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन कई लोग इसे बहुत ही सामान्य ले रहे हैं। लेकिन वहीं समझने वाली और सोचने वाली बात यह है कि न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्थिति होती है वह एक राजा की तरह ही होती है। वहीं कोई मंत्री या अन्य व्यक्ति उनके समकक्ष नहीं बैठ सकता। यहां जो देखा गया कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि श्रम मंत्री हैं, वह न्यायाधीशों के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। हालांकि इस मामले में किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता ने अभी तक आचार संहिता का उल्लंघन या अन्य मामला दर्ज कराने की बात नहीं कही है। कुर्सी आरोप बार में भिजवाया था, 25 कुर्सी राहुगढ़ बार में भिजवाया, 25 कुर्सी चांचोड़ा बार में भिजवाया और 25 कुर्सी मैंने ब्यावरा बार में भिजवाया। और जितनी आवश्यकताएं अपने बार में होगी उतनी अपने बार में आ जाएगी, लेकिन कम से कम आप लाइब्रेरी की व्यवस्था शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैं तो भाई से मुझे दादा भाई भाई साहब कहता आया हूँ तो वही निकलता है, आज हमारे बीच में है और वो उनका आने का भी एक मुख्य कारण ये है आज कि जो है उन्होंने सभी वकीलों को कल आमंत्रित किया है और आगे वो विस्तृत आपको निमंत्रण देंगे। सबसे मिले हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है गुनाबाद में एक सबसे अच्छी बात यह है कि गुनाबाद का नाम हिंदुस्तान में जाना जाता है। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सॉरी जज हाई कोर्ट जजेस निकले हैं हमारे यहाँ से। और गुनाबाद की एक प्रथा रही है कि गुनाबाद को हमेशा लर्नेड लॉयर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हमेशा जुडिशरी भी आना चाहती है, गुनाबाद में हम एक बार आकर काम करना चाहें। हमारे गुनाबाद के भाई वकील लोग ऐसे हैं कि अपनी विद्वता को पूरे देश में फैलाते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज चूंकि मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि हमारे बीच में नए तो जज भी हैं, मंत्री जी भी हैं, हमारे स्टेट बार के सदस्य भूपनारायण सिंह जी भी हैं, शायद 50,000 रुपये दे रहे हैं आज। तो मैंने कहा जल्दी अदालत में जाना ठीक नहीं है, सीधे आराम से चलेंगे, पर आचार संहिता में जाओगे तो कम घोषणा करना पड़ेगा। तो आज मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही गर्व है और निश्चित रूप से डीजे साहब से कुछ पल बात करने का अंदाजा लगा कि निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका जो पूरा जुडिशियल स्टाफ है ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ और आप लोग सौभाग्यशाली हैं। जो बात आप लोगों ने कही है मैं आपको बताना चाहता हूँ डीजे साहब कि कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी थे, उस समय मैं उनका सांसद प्रतिनिधि था और सबसे पहले लाइब्रेरी को पैसा कैलाशवासी महाराज माधवराव। मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे आमंत्रण पे आप सब बता रहे हैं, निश्चित रूप से अपने आप को जजेस को इसलिए आमंत्रण नहीं दे सकता हूँ कि उनकी और हमारी लिमिटेशन है, मगर जब भी प्रोग्राम कोर्ट में होगा उसमें निश्चित रूप से श्रम मंत्री सबको आमंत्रित करेगा और पास के साथ में बैठ कर आपके बीच में हम खाना भी खाएंगे और पूरी चर्चा भी करेंगे। तो आप सबका विशेष रूप से पारिश्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया और इस विश्वास के साथ कि पुनः बार कोर्ट के लिए कोई कमी हम नहीं आने देंगे, ये विश्वास आपको। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे हमारे ऑनरेबल जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने टाइम दिया और इस अवसर पर आपसे उपस्थित हुए। थैंक यू।